Hello students, I am your educator Ashok. In today's lecture, I am going to talk about how to fill the OMR sheet in today's NEET exam, which is going to be held from 1:30 to 5. Okay, you should also remember timings. The entry timing last 1:30. 1:30 के बाद जो entrance time है वो बंद हो जाएगा और जो exam time है वो 2 से लेके 5:20 तक. एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, इसके अंदर 4 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. अब क्वेश्चंस कितने एजुकेटर्स कहते हैं कि हर क्वेश्चन का एक एक करके भरो, कितने कहते हैं एक साथ भरो, तो हाउ शुड वी डू इट? ऑल ऑफ यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड, नो ऑल्सो, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि सपोज वेयर 4 सब्जेक्ट्स, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ऑल हैव 2 सेक्शंस, राइट. 2 सेक्शंस यू कैन 35 + 15, हेयर ऑल्सो 35 + 15, 35 + 15 एंड 35 + 15. वॉट हैपन्स, जनरली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो वे लिव लॉट्स ऑफ टाइम. तो बॉटनी जूलॉजी में अपन ये कर सकते हैं कि पूरा बॉटनी का सवाल टिक कर लें और फिर एक साथ भर दें, तो तुम्हारा टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी और जल्दी भी हो जाता है. आइदर यू नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर, इसमें कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना होता है. द सेम कैन बी डन फॉर जियोलॉजी. जियोलॉजी में भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा पहले टिक कर लें, मार्क कर लें पेपर में और फिर अपन आंसर कवर करें. लेकिन डू रिमेम्बर कि आप मन में चाहे बोल करें, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, क्योंकि क्योंकि क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी भरने अपन चेन शिफ्ट कर देते हैं और यू नो वी आर यूजिंग पेन नॉट पेंसिल. एक बार गलती हो गई तो उसको सुधारने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं है. तो बॉटनी जूलॉजी का अपन ऐसे कर सकते हैं. केमिस्ट्री में आते आते टाइम घटने लग जाता है, तो आधे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से सेक्शन ए पूरा करने के बाद अब इसको फिल कर दें और सेक्शन बी में 15 में से 10 करने हैं, इसको भी करने के बाद अपन क्या करें, फिल करें. टाइमिंग ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में आते आते बच्चों वी आर लेफ्ट विद लिमिटेड टाइम, मे बी 30 to 45 मिनट्स, इतना टाइम बचता है अपने पास, 30 से 45 मिनट बचता है. इसीलिए अपने को क्या करना है, जब लास्ट में आ रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, जो सेक्शन आप लास्ट में कर रहे हैं उसका अपने को हाथों हाथ भरना है. लाइक फर्स्ट का बी है तो आप बी हाथों हाथ भरिए, दूसरे का सी है तो सी हाथों हाथ भरिए, तीसरे का डी है तो उसको हाथों हाथ भरिए. एक साथ भरने का चांस नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है टाइम बेल रिंग्स और घंटी बजे को टीचर पेपर खींच लेगा, आपके आते हुए भी आपके प्रश्न पत्रों के छूटने का चांस बना रहेगा. व्हाट आई वांट टू कन्वे इस, पहले जो सेक्शंस हैं जो कैद कर रहे हैं आप, उसको तो आप एक साथ भर सकते हैं. जब लास्ट का जो सेक्शन कर रहे हैं वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भरें, ये नहीं करें कि एक बार पूरा फिजिक्स कर लो फिर, क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, घंटी बज जाएगी और घंटी बज जाएगी, आप क्वेश्चन आते हुए भी उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे. और पता है आप लोग एक क्वेश्चन आते हुए आप फोन देते हैं तो 4 मार्क्स का नुकसान होता है, 4 मार्क्स में तो रैंकिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाती है. तो बच्चों आज के एग्जाम्स के लिए ये छोटा सा टिप था, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, आराम से करें, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुँचें. आपको पता होना चाहिए लास्ट एंट्री कितने बजे हैं बच्चों, तो लास्ट एंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी 1:30 पे, इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी. इसीलिए हमको कोशिश करना है, 12:20 से एंट्री मिल रही है तो 12:30 पे एंट्री ले लें, है ना, लास्ट में अपने को, ताकि अपन अपने सीट पे जाएंगे तो सीट से एक्मेटाइज भी हो जाएंगे, अगल बगल भी आराम से देख लेंगे तो सही रहेगा, अपने पैनिक नहीं होगा, अपने को पैनिक तो करना ही नहीं है. सो 2 से लेके 5:20 तक पेपर है, लेकिन आप ये समझें कि आपका पेपर 1:30 से 1:20 पे ही चालू है, बिकॉज लास्ट एंट्री इज 1:30. आई एम वेरी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे बेचारे इसलिए रह जाते हैं कि टाइम से सेंटर पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी निकलें, अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, ऑलमोस्ट निकलने की तैयारी करें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम, आई एम श्योर यू विल डू वेल. सब कुछ छोड़ भूल जाएं अभी, कैसा होगा क्या होगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, यू पुट इन वेरी हार्ड, और जो आपके 3 घंटे में बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है, इसीलिए एकदम स्माइल करते हुए
बिना टेंशन लेते हुए बिना पैनिक करते हुए पेपर दे। थैंक यू।